हाँ दोस्तों, हर हर गंगे। इस वीडियो में मैं शाही स्नान के बाद 30 अप्रैल महाकुंभ के लास्ट दिन का दृश्य दिखाया हूँ, रेलवे स्टेशन, हर की पौड़ी, बस स्टैंड का, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था, ख़ास तौर पे अस्थि विसर्जन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है उनका सलूशन देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे क्या है आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे क्या है उत्तराखंड के समस्त प्लेसों की समस्त जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, देखिएगा बाहर का दृश्य क्या होने वाला है। और काफ़ी सारे लोगों के पास कोविड टेस्ट है और काफ़ी सारे लोगों के पास कोविड टेस्ट नहीं है और वो कोविड टेस्ट कराना भी नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा से डर की वजह से। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग इधर से जा रहे हैं, उनके पास अधिकतर नहीं है कोविड टेस्ट। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या में हर की पौड़ी में कमी दिखाई दे रही है कि वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी कर्फ्यू है और आप देख ही रही होंगे सबसे ज़्यादा भीड़ अभी रोज दिखाई दे रही है नई घाट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन और मुंडन कार्यक्रम कराने आते हैं और लोगों को आके तुरंत जाने का है क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू है। आप लोगों को मैं ऊपर से दिखाता हूँ नए घाट का दृश्य भी और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का दृश्य भी। अगर आप हरिद्वार आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिन आप स्टे नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा घूम भी नहीं पाएंगे। बस आपको जो काम है तो आप उसको, या फिर आपको स्नान करना है या फिर कुछ और एक्टिविटी वो आप करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन फ्लाइट की जो यात्रा है वो चालू है। अगर ट्रेन और फ्लाइट की यात्रा बंद होगी तब यहाँ पे लोग नहीं आ पाएंगे। अभी तो आ रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, अभी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर कुछ और इंक्वायरी करनी होगी, अगर जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आपको वीडियो पे मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हर तरह से मैं आपकी मदद कर सकूं।